मैं नीरज और आप देख रहे हैं एनएस टेक्निकल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन में पोको लॉन्चर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप देख सकते हैं, ये मैंने MIUI 10 का लॉन्चर है। अगर आप इस लॉन्चर को अपने फ़ोन में लाना चाहते हैं तो आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके वीडियो की लिंक दे रखी है, उस पर जाके वीडियो को देख सकते हैं और अपने भी आप MIUI 10 जैसा कर सकते हैं। और नहीं तो आप पोको लॉन्चर वाला कर ही सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो आपको एक APK डाउनलोड करनी है, जो कि पोको लॉन्चर की APK, ठीक है। वो आपके सिस्टम लॉन्चर को ही पोको लॉन्चर में चेंज कर देगी, ठीक है। पर आपको इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपका फ़ोन लेटेस्ट अपडेट में हो। मेरा भी लेटेस्ट अपडेट में, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं मेरा भी स्टेबल अपडेट MIUI 9 का 9.6.4.0 में लेटेस्ट अपडेट में है, ठीक है। तो आपका फ़ोन भी लेटेस्ट अपडेट होना चाहिए, नहीं तो आपके फ़ोन में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपका फ़ोन हैंग हो सकता है, ठीक है। आप बहुत सारी परेशानी हो सकती हैं। तो अगर आपका लेटेस्ट अपडेट हो तभी इंस्टॉल कीजिए, वरना आप इंस्टॉल मत करिए, नहीं तो बाद में आप मुझसे कहेंगे कि भाई तुमने क्या करा था, हमारा फ़ोन चल भी नहीं रहा, ठीक है। पहले आप इसको अपडेट कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट में, तब करना उसे, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, आप उस लिंक को गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। वो मैंने अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर रखी है, तो आप उसको यहाँ अपने गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, इस पर फाइल पर, फिर इंस्टॉल करना है इसको। इंस्टॉल होने तक मैं इस वीडियो को पॉज कर देता हूँ। और पोको लॉन्चर इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं आपको दिखाता हूँ पोको लॉन्चर कैसा है, अगर आपने नहीं देखा तो, ठीक है। और देख सकते हैं ये पोको लॉन्चर की तरह सेम टू सेम हो चुका है। ये ऐप ड्रॉअर भी है इसमें, आपके सभी ऐप्स स्लाइड अप करने पे सभी ऐप्स आ जाएंगे, ऐप ड्रॉअर ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके उसकी तरह भी, अगर आप उसको यहाँ से हटा सकते हैं, ऐप्स को आप हटाना चाहते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहने दीजिए, ठीक है। आप अब वैसे मेरी माने तो आप इन अपने मेन मेन ऐप्स को यहाँ पर रखें, वरना सभी ऐप्स को हटा दीजिए। ये आपके फ्रंट पेज पर रहेंगे तो आपका बैटरी ड्रेन करेंगे, इससे अच्छा आप उसको ऐप ड्रॉअर में रहने दें सभी ऐप्स को, और यहाँ से सभी को हटा दें, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, एंड कमेंट करना ना भूलें आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपके फ़ोन में पोको लॉन्चर काम नहीं करता तो आप एक वक्त एक चीज़ कर सकते हैं। आप अपने सेटिंग में को ओपन करें, सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको जाना है अपने इंस्टॉल्ड ऐप में। इंस्टॉल्ड ऐप में जाने के बाद आपको पहले यहाँ पर शॉर्ट बाय स्टेटस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ऐप नेम कर लीजिए। आपको आपका सिस्टम मुझे ढूंढने में आसानी हो जाएगी, और आपका सिस्टम लॉन्चर की फाइल सर्च देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है, ये रही। और इसको आप यहाँ से अनइंस्टॉल अपडेट, सेकंड नंबर पर अनइंस्टॉल अपडेट्स पे इस पर क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, और आपका सेम टू सेम वापस से हो गया ऐसे के ऐसा ही। अगर आपके वर्क नहीं करता तो आप ऐसे करके अपने वापस आ सकते हैं, और आप ट्राई भी कर सकते हैं। अगर आपके वर्क नहीं करता तो फिर आप वापस आ जाइए, मेरा वापस आ गया MIUI 9 का लॉन्चर, ठीक है। आप ऐसे करके अपने लॉन्चर को वापस ला सकते हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, एंड प्लीज़ को लाइक एंड शेयर कर जरूर करें। और आपका कोई भी सुझाव या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अपना अगली नेक्स्ट वीडियो में आपका सवाल का जवाब दे दूंगा। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।